हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंदानी और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश और सुरक्षित हैं। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके घर के इंटीरियर के बारे में कुछ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप खुद ही आपके घर के इंटीरियर को प्लान करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो पहला ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो एक ऐसी गलती है जो इंडिया में 60-70% लोग ही करते हैं, और हाँ वो है आपके रूम की वॉल कलर्स। वॉल कलर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके घर को सुंदर या फिर स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। वॉल कलर्स चूज़ करने के टाइम पे अगर आपने गलती कर दी तो वो आपके घर को एक बहुत ही ख़राब लुक्स देगा। इसीलिए जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के वॉल कलर्स चूज़ करने के टाइम पे कभी भी किसी कलर के नॉर्मल शेड्स या फिर डार्कर शेड्स में कभी मत जाइएगा। हमेशा कलर्स के लाइटर टोन्स ही चूज़ कीजिएगा। फॉर एग्जांपल्स जो प्राइमरी कलर्स होते हैं जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, तो इन सारे कलर्स को हमेशा लाइट करके, मतलब इन सारे कलर्स के टिंट्स यूज़ करना चाहिए। टिंट्स वो होता है जब हम किसी नॉर्मल कलर में वाइट ऐड करते हैं तो हमें एक लाइटर टोन मिलती है, इसी को टिंट बोलते हैं। तो हमेशा आपके जो वॉल कलर्स है वो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर किसी भी नॉर्मल कलर्स का टिंट होना चाहिए, तभी आपके घर को एक बहुत ही लाइट और बहुत ही स्टैंडर्ड वाइब देता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप नॉर्मल शेड्स ही यूज़ करेंगे या फिर डार्कर टोन्स अगर यूज़ करेंगे तो वो आपके घर को बहुत ही टैकी लुक्स देगा। इसीलिए वॉल कलर चूज़ करने से पहले ये वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दूसरा जो ट्रिक है वो है वॉल कलर कॉम्बिनेशन। वॉल कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत लोगों को अच्छे से नहीं पता होता है। अगर आपके रूम में कुछ कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो आप हमेशा वाइट के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दो वॉल्स में कुछ कलर दे रहे हैं तो बाकी दो वॉल्स में अगर वाइट कलर देंगे तो वो एक अच्छा लुक्स देगा। वाइट कलर किसी भी कलर के साथ ही जाता है, और अगर आप कोई डार्कर टोन या फिर कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो सारे वॉल्स पे पैटर्न्स बिल्कुल मत दीजिएगा, इससे बहुत ही ख़राब लुक्स आता है। अगर आप कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं, कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ डार्क कलर देना चाहते हैं तो फिर सिर्फ एक वॉल में दीजिएगा, वो भी हाईलाइट करने के लिए, और बाकी सारे वॉल्स को हमेशा लाइट रखिएगा। जो थर्ड हैक है वो ये है कि आप कैसे आपके रूम को लार्ज दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके रूम या आपके घर का साइज़ बहुत ही छोटा है तो आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके रूम को बड़ा दिखाने के लिए। वो इल्यूजन आप कुछ एलिमेंट्स के हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप अपने रूम को हॉरिजॉन्टली वाइडर दिखाना चाहते हैं तो उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स डालिएगा, जैसे कि वॉल्स में कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स जैसा कुछ पैटर्न या फिर कुछ हॉरिजॉन्टल फर्नीचर्स या फिर कुछ ऐसा काइंड ऑफ एलिमेंट्स डालिएगा जो आपके रूम को एक वाइडर वाइब देगा। और अगर आप अपने रूम को टॉलर दिखाना चाहते हैं तो फिर हमेशा वर्टिकल एलिमेंट्स ही यूज़ कीजिएगा, जैसे कि वर्टिकल स्ट्राइप्स जैसा कुछ पैटर्न अगर हो, अगर ऐसा पैटर्न देंगे तो आपके रूम ऑटोमेटिकली एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो रूम बहुत ही ऊंचा है। ऑल्सो आप कर्टेंस को भी एज एन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने कर्टेंस को सीलिंग से लेकर फ्लोर तक अगर लगाएंगे तो फिर वो भी आपके रूम को एक टॉलर वाइब देगा।
और एज ए होल अगर आपके रूम को लार्जर दिखाना है तो हमेशा लाइटर कलर में जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि लाइटर कलर्स में जाने से रूम अच्छा भी दिखता है, वाइडर भी दिखता है और फिर स्टैंडर्ड लुक्स भी देता है। और जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है कि जितना हो सके आपके घर में जितना भी अननेसेसरी एलिमेंट्स है, जैसे कि कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो या फिर कुछ भी एलिमेंट्स हो जिससे आपके घर में एक केओस वाइब हो रहा है, तो उन सारे एलिमेंट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और जितना हो सके इंडोर प्लांट्स ऐड करना चाहिए। इंडोर प्लांट्स आपके घर को फ्रेश भी रखेगा और वो एक बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक लुक्स भी देगा। और इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके पास भी अगर कुछ ऐसा टिप्स या ट्रिक्स है इंटीरियर के बारे में तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आखिर में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करना। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।